आधा घंटा बीत चुका है, 8 बजे मतदान प्रारंभ हुआ और 8:30 बज चुका है और सुबह सुबह जो तस्वीर आई वो कम से कम अच्छी आई, लोकतंत्र के हेल्दी तस्वीर आई, लोग आना शुरू हो गए हैं मतदान केंद्रों पर और अच्छी खासी कतार नजर आई है अलग अलग जगहों पर। आज तक आपको एक एक अपडेट लगातार पहुंचा रहा है, 68 सीटें हैं, 68 सीटों पर मतदान चल रहा है, लोग सुबह सुबह इसमें युवा भी कुछ दिखे, बुजुर्ग इसमें दिखे, मतदाताओं में जोश दिखा, यही प्रधानमंत्री ने अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप रिकॉर्ड तोड़ दें मतदान। सुबह से पोलिंग स्टेशन पर हलचल बहुत तेज है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम 7881 पोलिंग स्टेशन। तो 68 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाला जा रहा है, लेकिन अभी मौजूदा विधानसभा की स्थिति क्या है, किसके पास कितना नंबर है वो आप जरा ये मेरे लेफ्ट और राइट में आप देख रहे हैं, दाहिनी तरफ बीजेपी की स्थिति जिसके पास इस वक्त 44 विधायक हैं, मेजोरिटी से ज्यादा क्योंकि 1+1 होता है 35, यहां पर मेजोरिटी मार्क है बीजेपी के पास, क्लियर मैंडेट। दूसरी तरफ कांग्रेस 21 पर वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था तब ये चुनाव, एक यहां पर लेफ्ट के पास भी है, तो अन्य के खाते में भी आप देखेंगे कि 2 हैं। बीजेपी इस वक्त बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, तो एंटी इनकम्बेंसी दूसरे मसले भी हैं, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा चुनौतियां पेश कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये नंबर जो आप इस वक्त बिल्कुल विधानसभा की स्थिति देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, क्या ये वापस हासिल कर पाएगी या इससे ज्यादा या फिर इससे कम। उत्तराखंड में जो हुआ, उत्तराखंड भी बिल्कुल इसी तरह के पैटर्न पर चलता था, लेकिन बीजेपी ने वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी अच्छे खासे मैंडेट के साथ सरकार बना ली, क्लियर मेजोरिटी उत्तराखंड में बीजेपी के पास आई, तो क्या हिमाचल में भी इसी तरह का रिपीट होगा। दोनों ही पहाड़ी प्रदेश हैं, दोनों के ही मसले लगभग एक जैसे हैं, हालांकि वहां पर एक पलायन बहुत बड़ा मसला है, वो हिमाचल में नहीं। तो ये तस्वीर है हिमाचल के विधानसभा की मौजूदा, आज वोट डाला जा रहा है और उसके बाद 10 तारीख को अगले महीने दिसंबर में नतीजे आएंगे और जो तस्वीर आए हैं लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी तस्वीर है, ये हेल्दी तस्वीर इसीलिए कही जाती है। सुबह सुबह लोग जलपान बाद में मतदान पहले करने के लिए पहुंच गए, मतदान करेंगे उसके बाद जलपान घर जाकर करेंगे, एक अच्छी तस्वीर क्योंकि कतारबद्ध है लोग, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच गए बस इंतजार, थोड़ी सी ठंड भी है और लोग आप देखेंगे स्वेटर पहने हुए पहुंचे हुए हैं।